हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेज़ वन स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप ऑफलाइन स्कूल से एप्लीकेशन फॉर्म लेकर उसको फिल करके जो भी टेस्टिमोनियल्स आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी फ़ोटो कॉपी अटैच करके सेल्फ अटैच करके वहाँ पर आपने सबमिशन करनी है। आप उसको स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की क्यूरीज थी, तो उसके लिए काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं जो उनके आंसर्स हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पता है थ्री फेज़ है। सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया जोन्स हैं जो स्कूल्स एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे 15 ऑनवर्ड्स, उसका ऑलरेडी मैंने जितने भी एडवर्टाइजमेंट आउट हुई हैं न्यूज़पेपर में या आपके स्कूल की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म अपने मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। जो भी आप उसमें अपना फ़ोन नंबर अपलोड करेंगे, लिखेंगे फॉर्म पर, और ईमेल आईडी, उसको आपने सही फिल करना है, सो डैट इन फ्यूचर जो भी आपसे बैकएंड टीम कॉन्टैक्ट करेगी वो प्रॉपर आपके सोशल मीडिया जो आपके अकाउंट्स हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप है या आपका फ़ोन नंबर ईमेल आईडी है, उस पर आपको प्रॉपरली मिल सके। और अपना ही फ़ोन नंबर डालिएगा, पेरेंट्स का मत डालिएगा। और फ़ोटो वगैरह जो आपके उसमें अटैच करेंगे, पासवर्ड साइज लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म पर। उसके बाद फॉर्म्स आपके स्क्रूटनाइज होंगे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एज़ पर जो भी उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे सीटेट हो गया, बीएड हो गया, वो प्रॉपर वेरीफाई करके आपका सारा जो प्रोसेस है डीएवी सीएमसी को चला जाएगा। फिर फेज़ टू चलेगा, जिसमें आपका आपको लिंक शेयर किया जाएगा बैकएंड टीम से, और उसके थ्रू आप जो भी लिंक आप रिसीव करेंगे, रजिस्टर करके आप फ़ी पेमेंट करेंगे 300 रुपीज़। और बाकी का ये जो प्रोसेस है आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये जो वेबसाइट है सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो पेमेंट करेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया। जनवरी 2025 में इनका पेपर होगा। आउली जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उसी से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स आउट होंगे, जनवरी 2 से आपके शिफ्टें स्टार्ट हो जाएंगी। और जो आपका एडमिट कार्ड है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो आपने उसमें फिल किए हैं उसके थ्रू, और पैक सर्टिफिकेट उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आपने प्रेपरेशन करनी है सीबीटी की, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। और वो जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसके थ्रू आपका 99.9 आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। डेमो इंटरव्यू आपका सेम वही रहेगा, आपकी डेमो होगी, उसमें देखा जाएगा आपका टीचिंग कैसे आप टीच करते हैं, इंटरव्यू होगा पैनल के सामने, और फाइनल फिर आपकी सिलेक्शन होगी। उसमें कुछ और भी नई चीज़ें दी गई हैं। डीएवी सीबीटी क्वालिफाई कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी डीएवी स्कूल जोन वेन एवर एंड वेयर एवर देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट फॉर विच कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड सीबीटी। उसके बाद जो भी स्कूल्स होंगे, जोन्स होंगे, रीजनल ऑफिस होंगे, वो कंडक्ट करेंगे डेमो इंटरव्यू। दोज हु क्लियर फेज 3 डेमो इंटरव्यू, उनको एम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी है फर्दर क्विट क्लियर कर लिया जाएगा जो भी वहाँ का स्कूल होगा। द नेक्स्ट सी बी टी सेशन 25 25 वो आपका आपको बता ही दिया है। पैक सर्टिफिकेट का बहुत से बच्चों को डाउट है, वैलिड 2025 ओनली इफ द कैंडिडेट हैज़ ओनली एम्प्लॉयड बाई एनी डी ए वी हैज नॉट सॉरी यहाँ पर नॉट लिखा है इफ़ द कैंडिडेट हैज़ नॉट एम्प्लॉयड इन एनी बाई एनी डी ए वी स्कूल आफ्टर मार्च सी बी टी, उनको ये देना पड़ेगा। वैलिड टिल मार्च अगेन इफ़ द कैंडिडेट हैज ज्वाइन डी ए वी बट वॉन्ट्स टू शिफ्ट टू सम अदर स्कूल, मतलब अगर आपने डी ए वी ज्वाइन नहीं किया या अदर स्कूल में शिफ्ट करना चाहते तो आपको सी बी टी फिर से देना पड़ेगा, सेम स्कूल में ज़रूरत नहीं है। वैलिड इवन आफ्टर, यहाँ पर देखिए दिया गया है, इफ़ द कैंडिडेट हैज़ गॉट एम्प्लॉयड इन ए डी ए वी स्कूल टिल द ईयर ही शी विल कीप वर्किंग इन द सेम स्कूल, उनको ये देने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ नई चीज़ें सी। वेन एंड वेयर रिक्रूटमेंट इन डी ए वी सी बी टी जनवरी 2025 विल बी एडवर्टाइज, मैंने आपको बता ही दिया, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये प्रोसेस है 15 to 2024, आपकी सारी जो जोन्स हैं, स्कूल्स हैं, नेशनल है, रीजनल है, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, ये मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपका डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपका 15 नवंबर के बाद अब हो जाएगा स्टार्ट। उसके बाद सबमिट द कम्प्लीटली फिल्ड फॉर्म एज इंस्ट्रक्टेड इन द एडवर्टाइजमेंट, तो ये तो एप्लीकेशन फॉर्म का था, सॉरी मैंने यहाँ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म दूसरा ले लिया था ऑनलाइन वाला। इसमें जो आप स्कूल से एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे उसको आप स्कूल में सबमिट कर देंगे अलॉन्ग विद योर टेस्टिमोनियल्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, वेयर एंड हाउ विल कैंडिडेट गेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेयर दे विल सबमिट, ये मैंने आपको बता ही दिया। लोकल स्कूल्स है, रीजनल है, वहाँ से आप इसको लेंगे और वहीं पर आप सबमिट कराएंगे।
व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी CBSE सेंट्रल स्टेट के नॉर्म्स हैं उसके थ्रू आप उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करेंगे, अदरवाइज़ आपको स्कूल से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑफलाइन आपको काउंटर से मिल जाएगा या वेबसाइट से ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं अगर आप दूर से हैं, अदरवाइज़ अगर पास में है तो उसको बाई हैंड आप दे सकते हैं। तो ये पोस्टें हैं DAV CBT की जो डिफरेंट स्कूल्स को चाहिए, कॉमन सी हैं, सारे वही हैं जो आपको जिन सब्जेक्ट में आपने अप्लाई करना है। ये सारी आपकी टीचिंग नॉट टीचिंग और मिनिस्ट्रियल पोस्टें हैं। हु कैन विल हैव टू अपियर CBT 2025, हु हैव नेवर अपियर्ड उनको देना पड़ेगा, हु डिड नॉट क्वालिफाइड उनको देना पड़ेगा, गेस्ट टीचर्स को देना पड़ेगा, हु क्वालिफाई CBT 2024 जिन्होंने DAV में ज्वाइन नहीं किया उनको भी देना पड़ेगा, बिकॉज उनका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाएगा किसमें, इस ईयर में। उसके बाद इन सर्विस टीचर्स उनको प्रमोशन के लिए भी हायर पोस्ट के लिए भी CBT देना पड़ेगा। CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट हु गॉट एम्प्लॉयड एट DAV स्कूल बाई वर्चुअल 2024, मतलब जो टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया सेम पोस्ट के लिए जो स्कूल में ऑलरेडी वर्किंग कर लिया, ओनली इफ़ शी और ही कंटिन्यूज टू वर्क इन द सेम स्कूल उनको CBT देने की ज़रूरत नहीं है सेम पोस्ट में, अदरवाइज और स्कूल शिफ्ट करेंगे तो आपको CBT देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ एवर फॉर ज्वाइनिंग अनदर DAV स्कूल द कैंडिडेट, यही पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि अगर आप और स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको CBT देना पड़ेगा। ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, CBT तो CBT है, ये क्या सेम स्कूल में अदर स्कूल में, तो बाकी आप समझदार हैं, कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो मैं यहाँ ये पॉइंट ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा, बाकी आप समझदार हैं। आई एम ए रेगुलर टीचर तो उसको ये देना पड़ेगा प्रमोशन के लिए, बट इसके लिए आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो भी आपका स्कूल का प्रिंसिपल है कि सर मैम मैंने अपनी ये जो पोस्ट है उसको मैंने अपग्रेड करना है तो मैं CBT देना चाहता हूँ, जैसे NOC होता है सेम आपको प्रिंसिपल से लेना पड़ेगा। रिटर्न वर्क हमेशा लीजिए प्रिंसिपल से सो डैट बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक कैंडिडेट क्लियर CBT 2024 एंड गॉट 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट इन द स्कूल टिल 2027, डज ही और शी हैव टू अपियर इन CBT 2025, इफ़ नॉट डज ही शी हैव टू अपियर इन द डेमो इंटरव्यू इन फेज 2, ये इंपॉर्टेंट है। नो नीड नो नीड, ना ही आपको डेमो इंटरव्यू देना पड़ेगा ना ही CBT देना पड़ेगा अगर आप सेम स्कूल में हैं, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने 12th पॉइंट यहाँ पर शो किया है। करंटली ए कैंडिडेट स्टेइंग इन दिल्ली बट ही शी विल मूव ओडिशा, तो ऐसा कोई नहीं है, आप कहीं भी जाइए एनी स्कूल ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। ये 14th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ क्लियर CBT और PGT मैथमेटिक्स तो वो क्या TGT PRT के लिए अप्लाई कर सकता है, तो इसमें बिल्कुल कर सकता है। टू अप्लाई इन सम अदर DAV स्कूल अदर देन वेयर एवर द कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग CBT 2025 इज रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड पोस्ट, तो इसमें यह दिया गया है सेम स्कूल में ज़रूरत नहीं है, अदर में जाएंगे तो देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे TGT है PGT है PRT, तीनों में एक आपने अप्लाई करना है। इज़ देयर एनी फी फॉर द CBT एग्ज़ाम, तो ये नई चीज़ है, बिल्कुल है, 300 रुपीज़ रहेंगी जो CBT रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा नवंबर 15 के बाद और दिसंबर 10 तक चलेगा, उसमें आप फी पेमेंट करेंगे। हाउ विल द कैंडिडेट गेट रोल नंबर, तो वेबसाइट पर आप जाएंगे, वेबसाइट इनकी है जो मैं आपको शो कर ही देता हूँ, चलिए ये वेबसाइट है DAV Recruit.DAVCMC, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टा पेज फॉलो करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। तो बाकी CBT का काफ़ी बच्चों को फुल फॉर्म में था कि क्या क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पैक प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, इसको स्कोर कार्ड बोल सकते हैं, जैसे APS का स्कोर कार्ड होता है सेम वैसे ही इन्होंने नाम बस दे दिया प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। RMN रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपका सही होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे। एक बहुत जो क्यूरी आ रही थी कि सर सेम स्कूल में अदर स्कूल में अप्लाई करेंगे तो CBT देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, सेम स्कूल में है तो आपका CBT 3 ईयर्स के लिए है, अगर अदर स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका CBT एक्सपायर समझिए। उसके बाद रेगुलर हैं, अगर आपने अपनी पोस्ट में अपडेशन करनी है तो आपको CBT देना पड़ेगा, लेकिन ये एक चीज़ है कि आप अपने प्रिंसिपल से हेड से NOC या एक लेटर लीजिए जिसको उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग। और सबसे मेन, फॉर्म फिलिंग के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या काउंटर से ले सकते हैं स्कूल के, और इसको आपने ड्यूली सारे फिलिंग करके कैसे फॉर्म फिल करना है इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पर आप इसकी सबमिशन करेंगे, जो भी टेस्टिमोनियल्स होंगे डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आप फोटोकॉपी साथ में अटैच कर देंगे और 2 लेटेस्ट फोटो साथ में अटैच कर देंगे पासपोर्ट साइज़।
तो ये था ऑल ओवर पूरा प्रोसेस। फिर भी कोई आपका क्यूरीज़ क्वेश्चन रह गया आपके माइंड में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट निकली है डिफरेंट स्टेट की, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। बेशक पंजाब है, हरियाणा है, ओडिशा है, बिहार है, और देर आर सो मैनी अदर स्टेट, जो भी आपको चाहिए, हिमाचल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा, नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो डैट जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है आपके बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुँच सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।